does not come from physical capacity, it comes from amiable will. A man is the product of his thought, what he thinks, he becomes that. The greatness of humanity is not being inhuman, but in being human. Nonviolence is the weapon of the strong. Be the change that you want to see in others. Art provides enough to satisfy everyone's needs, but not everyone's greed. No one can hurt me without my permission. The future depends on what you do today. जनी तो तीन
सब्जेक्ट्स में तो मेरे अच्छे मार्क्स आए हैं, पर मैं तो मैं फेल ही हो गई हूँ। अगर मम्मी को बताया तो मम्मी बहुत डरेगी। ऐसा करती हूँ, मैं मम्मी को बताती हूँ। मम्मी ठीक है, मन तो कर रहा है तो मैं एक थप्पड़ लगा दूं, पर तुमने सच्चाई से मुझे सारी बात बताई, इसलिए मैं तुम्हें एक और मौका देती हूँ। अगले एग्जाम में मुझे टॉप 5 में तुम्हारा नाम चाहिए, ठीक है? अरे आपने कचरा डस्टबिन के बाहर क्यों फेंक दिया? अरे डस्टबिन के सामने ही तो डाला, आप लोग डाले ले जाएंगे। पर उसकी वजह से कचरा तो मेरे घर के बाहर हो रहा है ना। तुम डालो फिर अंदर। मैं क्यों डालूं? कचरा तो तुमने फेंका है। तो तुमने बोला है ना तुम ही डालो। एक तो अच्छे से बात नहीं करते हो, दूसरा कचरा डस्टबिन में नहीं डालते हो। एक तो कचरा डस्टबिन के बाहर फेंक दिया, ऊपर से मुंह चला रहा है। कल अगर इसने डस्टबिन के बाहर कचरा फेंका ना, तो अच्छे से देख लूंगी इसको। नहीं, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। अब तो मुझे गांधीगिरी करनी पड़ेगी। गुड मॉर्निंग दी। कैसी नॉर्मल की बात रही है? गुड मॉर्निंग दी। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। सॉरी, आखिरकार मेरी गांधीगिरी की काम करी गई। वंदे मातरम बच्चों, मैं हूँ मोहनदास करमचंद गांधी। आज आप सभी पूरे देश में मेरा जन्मदिन मना रहे हैं, मुझे याद कर रहे हैं, मुझे श्रद्धांजलि दे रहे हैं, मेरी मूर्तियों पे मालाएं और फूल अर्पण कर रहे हैं। उस बात की मुझे बहुत खुशी है। मुझे आप सभी राष्ट्रपिता मानते हैं, इस बात की मुझे बहुत खुशी है। आज अपने जन्म दिवस पर मुझे बहुत खुश होना चाहिए, लेकिन मैं खुश नहीं हूँ, बल्कि मैं बहुत दुखी हूँ। मैं दुखी इस बात से हूँ कि मेरे बच्चे मेरे सिद्धांतों का सम्मान नहीं कर रहे हैं। मुझे तो ऐसा प्रतीत होता है कि वे सब मेरे सिद्धांतों और मेरे रास्ते को भूल चुके हैं। आज जब मैं अपने बच्चों को जात पात के नाम पर लड़ते झगड़ते हुए देखता हूँ, तो मेरा दिल बहुत दुखी हो जाता है। आज जब मैं अपनी देश की बेटियों पर हुए अत्याचार को देखता हूँ, तो मेरी आत्मा रो उठती है। दरिंदों का साहस देखकर मैं बेचैन हो उठता हूँ। आज जब मैं अपने देश की युवा पीढ़ी को फैशन परस्ती में ग्रस्त देखता हूँ, तो मुझे अत्यंत दुख होता है। मैंने अहिंसा धर्म का पालन करके सारे देशवासियों को जोड़ कर रखा, लेकिन आज जब मैं यह देख रहा हूँ कि मेरे देशवासी जात पात धर्म के नाम पर बात बात पर हिंसा का रुख अपना लेते हैं, यह बिल्कुल सही नहीं है। मैं अपने सभी देशवासियों से, अपने सभी बच्चों से यह निवेदन करता हूँ कि वे अगर मुझे वास्तव में सम्मान देना चाहते हैं, तो वे जात पात से ऊपर उठें और महिलाओं का आदर करें, सादगी का जीवन व्यतीत करें और अहिंसा और धर्म का पालन करें। अगर वे ऐसा करने का प्रण लेते हैं, तो यह गांधी जयंती समारोह पूर्ण होगा, नहीं तो यह पूरी तरह से अर्थहीन। आप सबको मेरा राम। गुड मॉर्निंग गांधी। हैप्पी गांधी जयंती।
today on 151st birth anniversary of Mahatma Gandhiji, let us talk about his core principle, that is non-violence. As Gandhiji always taught people to follow the path of non-violence and satyagraha. The idea of satyagraha emphasizes the power of truth and the need to search for truth. It suggested that if the cause was true, if the struggle was against injustice, then physical force was not necessary to fight the oppressor. Without seeking revenge or being aggressive, a satyagrahi could win the battle through non-violence. But Gandhiji did not think that non-violence was a tool for those who were too scared to take up arms. As once Gandhiji said, "My non-violence does not admit running away from danger and leaving dear ones unprotected. Between violence and cowardly flight, I can only prefer violence to cowardice." He also said, "Non-violence is an active force of the highest order. It is sole force of the power of Godhead within us." With these lines, he meant that practicing non-violence is an act of brave, not that of the coward. Today, we should take pledge that we will follow the path of non-violence and truth as practiced and preached by Mahatma Gandhiji. Thank you all. Once again, Happy Gandhi Jayanti. Good morning to all my dear children. Wish you a very happy Gandhi Jayanti. Dear children, 2nd October 2020 is a great day for India as the country celebrates 151st birth anniversary of the father of nation, Mohandas Karamchand Gandhi. Not only that, but world celebrates the auspicious day as International Day for Non-Violence to pay respect and acceptance to the true spirit of non-violence promoted by Gandhiji throughout his life. So let us talk about the dream of Mahatma Gandhi, that he wanted the clean India. So that's why we are nowadays running Swachh Bharat Abhiyan. Dear children, if you will take care of your mother nature, it would be beneficial for you future. Only if you are taking its care, you are taking your future care, right? Yes. So dear children, Gandhiji was given great emphasis upon cleanliness or Swachhta. He used to say Swachhta Hin Seva. The recent Swachhta Bharat Abhiyan, the biggest cleanliness drive of India, is to fulfill the dream of Babu by making India clean. This cleanliness drive is more than physical cleanliness, as Gandhi emphasized upon the internal cleanliness of the individual. Earth has enough for human needs, but not for human greeds. These lines of Mahatma Gandhi reflect upon how human behavior destroys nature and how a sustainable way of living is the need of the hour. Gandhiji's dream was for total sanitization for all. According to him, physical well-being and healthy environment is not possible without cleanliness. Gandhiji emphasizes that everyone must learn and act on achieving cleanliness, hygiene and sanitization, which would help to prevent diseases caused by poor hygienic condition. So wish you all happy Gandhiji. Brotherhood is the very price and condition of men's survival. On this Gandhi Jayanti, let's promote universal brotherhood, the idea of Mahatma Gandhi. Mahatma Gandhi devoted his whole life to work for peace, communal harmony and brotherhood. He gave the lesson of universal brotherhood among all the countries and all the countrymen. Unity makes us more strong, as we have all heard many examples like 1 plus 1 is 11. A finger alone cannot break a brick, but a fist can.
helping each other in completing assignments, studying for tests, preparing for exams, and doing group activity are also examples of brotherhood, and you can recognize the need of it very well. Vasudev Kutumbakam is a concept of Hindus which tell us that whole world is one family. It does not differentiate between animals, trees, plants. Instead, treat them as a part of family. Mahatma Gandhi recognized the great need of brotherhood and communal harmony in India. Away before others, because he knew that a country with thousands of languages, cultures, religiousness need to be brought under the shade of harmony. Brotherhood does not only give us a peace but also help us in becoming a better man, learning in the best way and overcoming the vicious cycle of depression and loneliness. Let's move on the path of harmony to enlighten our soul. Let's move on the path of Mahatma Gandhi, fulfilling his dream of ideal India. नमस्कार, आप सभी को गांधी जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं। गांधी जी जीवन भर सत्य, अहिंसा और प्रेम के पथ पर चले। उनकी दृष्टि में ईश्वर ही सत्य है और सारे प्राणियों को उन्होंने समान भाव से देखा और उनका कहना था कि प्राणी मात्र के अंदर ही ईश्वर की सत्ता होती है, ईश्वर विराजमान होते हैं। इसलिए हमेशा उन्होंने सभी प्राणियों की सेवा की, इसलिए क्योंकि उनका कहना था कि प्राणियों की सेवा करने से ईश्वर की सेवा होती है और ईश्वर को प्राप्त करते हैं। तो गांधी जी के इस दर्शन से हमें यही सीखना चाहिए कि हमेशा जीवों पर दया करो, जीवों की सेवा करो, हर प्राणी की सेवा करो। सेवा भावना हमारे अंदर अवश्य होनी चाहिए और वही ईश्वर की प्राप्ति है और वही ईश्वर को प्राप्त करना है और वही सत्य है। नमस्कार। A very good afternoon to all my dear students. So students, a very happy Gandhi Jayanti to all of you. We have the topic simplicity here. I do not think history can ever produce a simple man like Mahatma Gandhi. Being such a great leader, his way of living, teaching, books and even his quotes were very simple. His simplicity reflects in his ideas and way of living. Simplicity is probably his greatest virtue. Yes, students, like you all know, Gandhiji thought that buying things for himself was a waste of money. Gandhiji never buy clothes at all. Even he always made his clothes at his home, although he had a decent amount of money, and he always dressed like a poor Western man. So student, according to me, we should promote simplicity instead of fashion and all, okay? So at last, I want to conclude it with the one quote by Mahatma Gandhi, that is, there is goodness as well as greatness in simplicity, not in vain. Okay? So once again, I'm wishing you a very happy Gandhi Jayanti to all of you. Thank you so much, students.
शान से सालिम का पे थर 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 सुनकर उनका नाम रे पद था उनका छोटा सा और सरपट उनकी चाल रे दुबले से पतले से थे वो चलते सीना तान गए Oh,